नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ पूरे कंट्री में होने वाले क्रॉसवर्ड कंपटीशन के कुछ इन्फॉर्मेशन। और इस जो चल रहा है क्रॉसवर्ड कंपटीशन कॉन्टेस्ट, इसमें पूरे देश के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें अपने देश के हर राज्य से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं और विजेता भी हो रहे हैं। तो इसलिए इसका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो स्टार्ट हो चुका है और आप भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका मैं जो रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीका है उसको मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है उसको भी मैं बता देता हूँ। और एक कल से स्टार्ट होने जा रहा है, सिर्फ आज ही मेरे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, हो सके कल भी इसका डेट बढ़ सकता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं कल भी। पर जो स्टूडेंट आज कर लेंगे वो बहुत बढ़िया रहेगा और कल से क्वेश्चन आएगा तो आप उसका सलूशन कर सकते हैं। और बीएसवी क्रॉसमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट भाग लिए थे और आई होप इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट भाग लेंगे। तो सिंपल तो आपको यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के साथ आपको आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा और सिंपल से आपको यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करते हैं के साथ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा और यहाँ आपको सिंपल से जो जो आपका खोज रहा है स्कूल में जो आपका नाम है वो यहाँ डालना है, ईमेल कौन सा है वो डाल देना है, स्कूल का एड्रेस डाल देना है और प्लस आपको यहाँ स्टेट स्कूल एड्रेस लाइन 2 और यहाँ डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट भी डालना है यहाँ। इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर और बाकी सारा चीज़ जो जो मांग रहा है उसको डालना है। और इस तरीके से आपको नेम ऑफ द टीचर इंचार्ज गार्जियन, मतलब कि अगर आप जीतते हैं तो किस टीचर को अपने इंचार्ज के रूप में ले जाएंगे। इसका जो मेन फिनाले होने वाला है फाइनल कॉन्टेस्ट, जिस तरह बीएसयू क्रॉसवर्ड का हुआ था पटना में, उसी तरह आपको ये बेंगलोर में बुलाया जाएगा अगर आप जीतते हैं तो। और सारा खर्चा ये क्रॉसवर्ड की जो कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर सारा खर्चा होगा। तो यहाँ सिंपल से आप जिस टीचर को अपना गार्जियन मानते हैं उनका नाम यहाँ डाल देना है, स्कूल एड्रेस लाइन 2 या 3 भरना है, फिर यहाँ अपना नाम भरना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ अपना नाम भरना है और यहाँ और भी स्टूडेंट अपना नाम भर सकते हैं अगर दूसरा नाम है तो। डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट 2 का मांग रहा है, फिर यहाँ क्लास इस तरीके से आप डाल सकते हैं, फिर यहाँ क्लास मांग रहा है कि कौन से क्लास में आप पढ़ते हैं, फिर रेसिडेंस एड्रेस स्टूडेंट 2 मतलब कि रेसिडेंस अपने घर का पता यहाँ मांग रहा है। और इस तरीके से आप यहाँ पिन कोड, ईमेल एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर जो मेन है आपका, यहाँ आप मोबाइल नंबर यहाँ आपको फिल करना है और सिंपल से यहाँ ईमेल एड्रेस इस तरीके से आप यहाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ है जो कि आप चेक कर लीजिएगा, फोटोग्राफ आपको रिसेंटली अपलोडेड डाउनलोड कर, मतलब कि खींच कर और उसको 10 से 20 केबी के बीच में कंप्रेस करके यहाँ अपलोड करना होगा जो हाल ही में आपका फ़ोटो खींचा गया है। और एक यहाँ आपको यथी का भी यहाँ आपको देख सकते हैं, आपका जो स्कूल का आईडी कार्ड होगा उसका यहाँ सिंपल से आपको फ़ोटो खींच के लगाना होगा, आईडी कार्ड का, स्कूल का आईडी कार्ड का, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं। और सिंपल से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है, आई एग्री करने के बाद आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर करते ही के साथ आपके सामने यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, ईमेल पर भेज दिया जाएगा और तब आपको इसी लिंक पर आना है। और इस लिंक पर आने के बाद यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है सिंपल से, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन का एक देख सकते हैं, यहाँ लॉगिन करने का यहाँ मिल रहा है नीचे लॉगिन, तो सिंपल से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही साथ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ जो आपने मोबाइल नंबर यूज किया है उसी को सिंपल से डाल देना है और जो आपने पासवर्ड बनाया होगा या SMS के थ्रू आया होगा
उसको यहाँ डाल के सिंग इन पे क्लिक कर देना है और फिर आप रजिस्टर हो जाएंगे। इसके करने के बाद आप सिंपल से एक और काम करें जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये लिंक आप बार बार टाइप तो नहीं कर सकते या मेरे वीडियो पे आकर लिंक पे जा तो नहीं सकते, तो सिंपल से आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऐड टू होम स्क्रीन पे कर देना है। ऐड टू होम स्क्रीन यहाँ सिंपल से जहाँ आपका सारा ऐप होगा वहीं पर ये लिंक आ जाएगा और इस पे क्लिक करते ही के साथ आपका होम स्क्रीन पे ये इसका आ जाएगा लिंक। और जब भी मन चाहे आप इसमें कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मन हो, खेलने का मन हो, तो सिंपल से आपको उस ऐप के आइकन में जाना है और इसी के नाम से ऐप बन चुका होगा वहाँ पर आपके होम स्क्रीन पर, उस पर क्लिक कीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे और फिर आप इस तरीके से अभी आप रजिस्टर कर लीजिए, कल से आप लॉगिन करके खेल सकते हैं और इस तरीके से आप पूरे देश के आप विनर बन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी को और जो अगले साल के विनर हैं उसको मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ। तो यहाँ शायद अभी नहीं दिखाया जा रहा है पर हाँ यहाँ आ गया है विनर। तो सिंपल विनर पर मैंने क्लिक किया है और विनर पर क्लिक करते हैं के साथ यहाँ कुछ इंटरफेस तो नज़र नहीं आ रहा है पर यहाँ कुछ देर पहले विनर आया था जो कि सेकंड पोजीशन पे थे पटना के एक, और इस तरीके से आप ही यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो यही था आज का आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।